जय गुरु विष्णु। कर्म का पाठ अपना चल रहा है। कर्म किसे कहते हैं? कर्म के कितने भेद हैं, सब बातों की चर्चा की थी अपन ने, याद है कुछ? कर्म किसे कहते हैं? कर्म के कितने भेद हैं? जैसे देखा जाए तो तीन, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और रूप कर्म। द्रव्य कर्म के कितने भेद हैं? आठ। या द्रव्य कर्म के दो भेद हैं, घातिया और अघातिया। घातिया कर्म किसे कहते हैं? जो जीव के अनुजीवी गुणों को घातते हैं। और अघातिया जो प्रतिजीवी गुणों को घातते हैं। घातिया कर्म के नाम क्या क्या है? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतर। अघातिया के वेदनी, आली, नाम, गोत्र। इनके उदाहरण दिए थे ना आठों कर्मों के, घातिया कर्मों के चार उदाहरण दिए थे हर एक कर्म के लिए, याद है ना? आज कहाँ है सब लोग? घातिया कर्म के चार उदाहरण दिए थे, याद है कोई से? बता दो, याद है चारों? अरे किसकी, जिसका याद है उसका होता। ज्ञानावरणी कर्म के लिए क्या उदाहरण दिया था? दृष्टांत, बोलना नहीं, बोलना नहीं बिल्कुल। क्या दृष्टांत दिया था बताओ? हाँ, मूर्ति पे डाला कपड़ा। और दर्शनावरणी कर्म के लिए पहरेदार। मौनी के लिए मदिरा पान, ये सब देख देख के बता रहा है। अंतराय के लिए खजांची, क्या खजांची क्या करता है? क्या इसका अर्थ क्या है? जैसे खजांची के पास धन है और सेठ ने बोला कि दान देना है, तो बोला कि सिलक नहीं, दान देने में अंतरा डालता है, विघ्न डालता है। और मोनी कर्म के लिए क्या उदाहरण है? हैं, मोनी के लिए मदिरा। मदिरा का क्या मतलब? मदिरा क्या है? मदिरा का क्या मतलब? जैसे शराब से आदमी मदिरा पी के अपने को भूल जाता है, ऐसे ही मोह के उदय में अपने स्वरूप को भूल जाता है। उसे पेनल्टी घटनी चाहिए ना, वो दृष्टांत है, दृष्टांत राष्ट्रांत पे तो घटना चाहिए ना। अब ज्ञानावरणी को घटा के बताओ। ज्ञानावरणी कर्म का दृष्टांत क्या है मालूम है? पहरेदार तो ही नहीं ज्ञानावरणी का, किताब उसमें से देख के बोल रहा है, इसलिए गड़बड़ हो रही है क्योंकि उसमें गलत लिखा है। मूर्ति पर पड़ रहा था, हाँ मूर्ति पे डाला हुआ पर्दा, मूर्ति का पका कैसे? अभी इस ज्ञानावरणी कर्म पे घटा गया था, मूर्ति पे एक कपड़ा डाला हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक मूर्ति है, परंतु किसकी मूर्ति है ये प्रतीत नहीं है। हाँ तो फिर ये अपने दर्शन नहीं हो, दर्शन नहीं हो रहा कि ज्ञान नहीं हो रहा? ज्ञान नहीं हो रहा। ऐसे ज्ञानावरणी कर्म जो है जीव के सामान्य ज्ञान को नहीं रोकता है, विशेष ज्ञान को माने देख दर्शन को नहीं रोकता, किसको रोकता है? ज्ञान को आच्छादित करता है। ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान को आवृत करता है। दर्शनावरणी कर्म के लिए क्या उदाहरण है? पहरेदार, राजा के दर्शन नहीं होने देता पहरेदार। उसी प्रकार दर्शनावरणी कर्म के उदय में जीव को सामान्य अवलोकन भी नहीं होता। चलो, नामकर्म का क्या दृष्टांत है, कौन बताएगा? नामकर्म का दृष्टांत पीछे बंचोली जी, नामकर्म का क्या दृष्टांत? नहीं याद है कुछ भी, ये सब गड़बड़ चल रही है, मतलब पीछे का कोई पढ़ नहीं रहा है, ये सब मेहनत अपनी हो रही है बस अकेले की। चित्रकार है ना नामकर्म, मतलब देख लिए इसमें से। चलो चित्रकार को घटा के बताओ। नामकर्म को घटा के बताओ। नहीं नहीं आप नहीं बोलना, आपसे दूसरा प्रश्न पूछूंगा मैं भी। हैं हाँ, अलग अलग चीज, हाँ शरीर की नाना प्रकार की रचना, शरीर की अलग अलग अनेक अवस्थाएं होती है ना,
मनुष्य त्रियंश देव नरक एक इंद्रिय दो इंद्रिया। चलो गोत्र कर्म के लिए क्या उदाहरण दिया था? कुम्हार का बताओ अंचोली जी, दूसरे वाले कुमार का घटा घटा कुमार को घड़ा के कुमार को कुमार किसके लिए उदाहरण है? ख्याल नहीं ना, आप लेट आए थे। चलो मिंटा जी बता दें क्यों कुमार का किसके लिए उदाहरण है? आपने कल वाला चैप्टर नहीं पढ़ा ना, आपको भी ख्याल नहीं है। चलो आप बता, आपको ख्याल में हाँ मैंने जीव को ऊंचे और नीचे कुल में उत्पन्न करा था, और ऊंच कुल जो है वो आचरण के हिसाब से निश्चित होता है, नीच कुल भी आचरण के हिसाब से। चलो नाम हो गया, गोत्र हो गया, वेदनी, वेदनी के लिए क्या दृष्टांत है? देख देख के बता दो सर, लिप्पी तलवार लिखा हुआ उसमें, शहर लिप्पी तलवार, हम उसको घटा के रहता हूँ कैसे, शहर लिप्पी तलवार को बताओ घटा के, ये तलवार शहर लिप्पी तलवार जो है वो वेदनी कर्म का दृष्टांत है। तो ये दृष्टांत है तो इसको दृष्टांत तो घटित करो, कैसे घटेगा ये? एक सेकंड, दवाई लेना, दवाई काहे की लेना, उसी की दवाई लेना, कुछ समय तो सुख मिलता है पर एक्चुअली उसके जो इफेक्ट है वो नहीं। देखो साता वेदनी माने जैसे शहद चाटा, शहद चाटने में सुख की अनुभूति होती है लेकिन साथ में जीवान भी कटती, असाता जो जीवान कट रही है वो असाता रूप है और शहद खा रहा वो साता, साता असाता के दोनों का उदाहरण है। अंतिम आयु कर्म के लिए क्या है बताओ? आयु कर्म के लिए क्या है? बेड़ी है, बेड़ी है क्या? बेड़ी लकड़ी का खांडा होता है तो वो आदमी को अपने स्थान दूसरे स्थान पे जाने से रोकता है, ऐसे ही आयु कर्म इस जीव को एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने से रोकता है। चलो बहुत बढ़िया। मौनी कर्म के नाम बताओ 28, कौन बताएगा? कितने लोगों को याद है मौनी कर्म के भेदों के नाम बताओ? 28 के 28 किसको याद है? हाथ खड़ा करना, कुछ नहीं याद है,